आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम गिदड़बाहा टू द रॉयल सिटी, या फिर कहिए द सिटी ऑफ किंग्स, जाने की पटियाला। पटियाला फेमस है फॉर इट्स ट्रेडिशनल पटियाला शाही टर्बन, परांदा, पटियाला जुत्ती, पटियाला सलवार और आपने बहुत बार सुना होगा पटियाला पैग। जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो है काली देवी टेम्पल, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, शीश महल, मोती बाग, मोती पैलेस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, बरादरी गार्डन और बहुत कुछ। तो इस चैनल पे फर्स्ट रोड ट्रिप आपके लिए, और इस धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं टू एक्स्ट्रा माइल्स। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अभी आपके सामने आएंगे बैक टू बैक ट्रैवल व्लॉग्स विद हैशटैग देखो अपना देश। एक बार मेरे साथ बोलिए तो सही, श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। बोल जयकारा काली कलकत्ते वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो इस व्लॉग को आप देखते रहिए और वर्क फ्रॉम होम करते रहिए। चलने के लिए तैयार, और ये सामान हो गया पैक। अभी हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम गिदड़बाहा टू पटियाला वो है अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर, और टाइम लगेगा 3 आवर्स। जो हम रूट फॉलो कर रहे हैं वो है बठिंडा, बरनाला, संगरूर और पटियाला, और ये है BRTC की बस। ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हो ये है NH7। इसको मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी जाके देख सकते हो। और अभी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बठिंडा कैंट से पटियाला का डिस्टेंस है 151 किलोमीटर। सो 100 किलोमीटर्स की जर्नी के बाद अभी हम पहुंचे हैं एक ढाबा पे। ये संगरूर से पहले आता है, संगरूर और बरनाला के बीच में है, और ये इसका नाम है राजवाड़ा ढाबा। ढाबा के पास ही में एक गिफ्ट शॉप भी है, और यहाँ पे वुडन टॉयज बिकते हैं। यहाँ पे लोटस फ्लावर्स हैं। अभी हम पहुँच गए हैं काली माता मंदिर के बाहर। यहाँ पे हर सैटरडे संडे दूर दूर से लोग आते हैं माता के दर्शन के लिए, और यहाँ पे दुकानें सजती हैं। काली माता का मंदिर बनवाया गया था बाय महाराजा ऑफ पटियाला इन 1936। काली माता की 6 फीट मूर्ति और पवन ज्योत बंगाल से पटियाला लाई गई थी। अभी हम काली माता के दर्शन करके मंदिर की बैक साइड की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे दूसरे राज्यों के राजा महाराजा काली माता के दर्शन के लिए आते थे, और यही चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। काली माता के दर्शन के बाद अभी मैं आ गया हूँ होटल में, और शाम को मैं जाऊँगा गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। अभी हम आ गए हैं श्री गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जी।
यहाँ पे सिख भागराम जी की रिक्वेस्ट पे श्री गुरु तेग बहादुर जी यहाँ पे आए और तालाब के नज़दीक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय यहाँ पे बीमारी फैली हुई थी और श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हुक्म किया कि जो भी इस तालाब में नहाएगा उसके रोग ठीक हो जाएंगे, और हुक्म हुआ कि जो भी बसंत पंचमी पे यहाँ पे नहाएगा उसको सभी तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त होगा। उसके बाद इस जगह को दुख निवारण के नाम से जाना जाता है और ये है यहाँ का पवित्र सरोवर। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो हुक्मनामा किया था वो अभी भी इस गुरुद्वारा के अंदर रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 फ्रॉम पटियाला और यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। आप ये देखिए, मैं रुका हूँ होटल सी में जो कि गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के बिल्कुल सामने है और मैं खड़ा हूँ होटल के टेरिस पर। अभी मैं दिखाता हूँ होटल के टेरिस पर की हुई प्लांटेशन। देखिए कितनी सुंदर प्लांटेशन है, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। ऐसी ही प्लांटेशन हम अपने घर के टेरिस पर भी कर सकते हैं, इससे पोल्यूशन कम करने में मदद मिलेगी और एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए मैं बाकी की टूरिस्ट प्लेसेस जाने की मोती बाग, शीश महल और मोती पैलेस, किला मुबारक, ये सब मैं कवर नहीं कर रहा, इसलिए कल मैंने सिर्फ काली देवी टेम्पल और गुरुद्वारा साहिब ही कवर किया। तो जो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको मैं विंटर्स में कवर करूँगा जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी मैं आपको अपने होटल का रूम टूर देता हूँ। अभी आपके लिए एक छोटा सा रूम टूर, ये देखिए, आपको यहाँ पे ये डबल बेड मिलेगा, ये टीवी स्क्रीन और ये मेन्यू, यहाँ पे इन हाउस किचन है इस होटल की, और ये आपको यहाँ पे कपबोर्ड मिल जाएगा, साथ में ये एसी और वो है टेलीफोन, अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है तो आप वहाँ पे आप रिसेप्शन पे बता सकते हो। और ये है पूरा रूम यहाँ का और अटैच्ड बाथरूम है और यहाँ पे वाईफाई 24 आवर्स अवेलेबल है। और यहाँ पे ये टेबल और चेयर ये मिलेगा आपको, और ये हो गया आपका ये पूरा रूम। और ये है यहाँ का वॉशरूम, ये देखिए ये भी पूरा क्लीन है। अभी हम बठिंडा की तरफ वापस जा रहे हैं और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल 2 Extra Miles को जरूर सब्सक्राइब करना। तो जल्द मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन सी यू सून एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2 Extra Miles।